चले हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पार्ट टू में, क्लास टू के लिए ये लेसन फोर का सेकंड पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट हो जा रहा है क्योंकि स्पेस कम है मोबाइल के मेमोरी में। चलिए तो ये सेकंड पार्ट है, क्लास टू के लिए ही है और फोर्थ लेसन यानी कि स्पेस एंड शेप्स के लिए है, ये सेकंड पार्ट है। अब इस सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सेकंड पार्ट में सॉलिड शेप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड शेप। क्या पढ़ेंगे, सॉलिड शेप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड शेप। सॉलिड शेप देखिए, अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे फ्लैट शेप के बारे में, आप पढ़ेंगे सॉलिड शेप। सबसे पहले हम ये समझेंगे सॉलिड शेप होता है, सॉलिड शेप का मतलब सॉलिड मीन्स होता है ठोस, ठोस आकृति जो होता है उसी को बोलते हैं सॉलिड शेप। फॉर एग्जाम्पल ये जो हम स्केल लिए हैं, मार्कर लिए हैं, ये एक सॉलिड शेप का एग्जाम्पल है। आपके क्लास में डस्टर होता है ना, जिससे बोर्ड को साफ किया जाता है, वो डस्टर एक सॉलिड शेप का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उसके अलावे आपका चौक बॉक्स, जो चौक आता है आपको, बॉक्स जो आता है ना, वो सॉलिड शेप का एग्जाम्पल है। इस तरह से चले हम आगे बताएंगे आपको सॉलिड शेप। फर्स्ट हमारा सॉलिड शेप होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, ये फिगर पर ध्यान देंगे, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड शेप क्यूबॉइड। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, यानी ये और एक लेते हैं क्यूब, ये कब भी बोलते हैं, ये अब देखिए ये दोनों फिगर एक ही जैसा लग रहा है लेकिन एक ही है नहीं। ये इसका फेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल जैसा, यानी लंबाई इसका बराबर, यानी ब्रिक होता है ना, ईटा, ईटा देखे है ना, ईटा ऐसे ही होता है। तो ईटा इज, ईटा किसका एग्जांपल होगा, ब्रिक किसका एग्जांपल होगा, क्यूबॉइड का। लेकिन क्यूब जो है, आप घर में लूडो छक्का खेलते हैं ना, तो उसका डाइस जो होता है वो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ये चौक, चौक बॉक्स का जो बॉक्स होता है, चौक जिसमें रखा जाता है, क्लासरूम में आप लोग देखे होंगे, तो ये हो गया क्यूब। अंतर क्या है इसमें, अंतर बस है कि इसका फेस जो होता है रेक्टेंगुलर होता है, इसका होता है स्क्वायरलर। तो ये हो गया आपका क्यूब। अब हम आते हैं सिलेंडर, इस पर सिलेंडर दिख रहा है ना, सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होता है, ये सिलेंडर होता है, यानी ये जो पेन है ना, ये भी सिलेंडर जैसा है। उसके बाद से होता है कोन, कोन, ये बर्थडे टोपी देखे हैं, बर्थडे टोपी, ये बर्थडे टोपी जैसा होता है कोन। और एक होता है स्पेयर, स्पेयर यानी फुटबॉल जो होता है ना, ये हो गया स्पेयर, ठीक है ना। तो ये आपका सॉलिड शेप का एग्जांपल है, क्या है, सॉलिड शेप का एग्जांपल है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पेयर। ये आपको याद कर जाना है, रट जाना है कि ऐसा क्यूबॉइड होता है। और आपको डायग्राम भी बनाना है, अपने नोटबुक में डायग्राम बनाना है, दो बार तीन बार उसको बनाइए मिटाइए, बनाइए मिटाइए, तब जाके अच्छा बनेगा। एक चीज ध्यान रखना, स्केल का यूज करना जब भी आप बनाना, तो इसको स्केल का यूज करना। अब आते हैं इस सॉलिड शेप में क्या क्या होता है, इस सॉलिड शेप में होता क्या क्या है। तो चलिए हम आते हैं सॉलिड शेप को देखते हैं कि सॉलिड शेप में होता क्या क्या है। तो इस सॉलिड शेप में होता है प्लेन फेस, प्लेन फेस, या इसको नीचे भी लिख सकते हैं फेस। उसके बाद से होता है कर्व्ड फेस, उसके बाद होता है एड्स, और होता है वर्टिक्स, वर्टिक्स जिसको हम लोग कॉर्नर भी बोलते हैं। ये एक आपका चार्ट हो जाएगा। अब प्लेन फेस यहां पर हमारा सॉलिड शेप जो होगा वो फर्स्ट होगा क्यूबॉइड, क्यूब के बाद सिलेंडर, सिलेंडर, उसके बाद कोन, उसके बाद होता है स्पेयर, स्पेयर, स्पेयर।
ठीक है ना, क्या क्या होता है, होता है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। अब इसको एक एक करके समझें। अब एक एक करके समझना क्या है इसमें, यह समझना है कि क्यूबॉइड जो होता है, जैसे हमने अभी ये बनाया था ना, ये हमने बनाया था ये क्यूबॉइड, तो इसमें प्लेन फेस कितने होते हैं, कर्व फेस कितने होते हैं, एड्स कितने होते हैं और वर्टिक्स। सबसे पहले समझेंगे एड्स, वर्टिक्स और फेस होता क्या है। जैसे अगर हम कोई ब्रिक लें, ईटा लें, अभी तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पर नहीं है, बट हम आपको बता दें, डस्टर देखे है ना, तो डस्टर में फेस दिखता है, यानी जिस साइड से मिटाते हैं, या उसके पीछे वाला, उसके ऊपर वाला, इसके नीचे वाला, फिर साइड वाला, तो वो फेस कहलाता है। तो क्यूबॉइड में कुल 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अब 6 फेस में आपको ये देखना है कि प्लेन फेस कितने होते हैं, कर्व फेस। प्लेन फेस का मतलब समतल सतह, प्लेन सतह, तो इसमें 6 का 6 पूरा प्लेन होता है और कर्व फेस एक भी नहीं होता है। और एड्स कितने होते हैं? 2 और वर्टिक्स 8। अब एड्स क्या होता है, उस ईंटे, उस ब्रिक का या डस्टर का जो सीधा रेखा होता है ना, उसमें हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर जब क्लास में हम बैठेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो आपको बस याद रखना है एड्स 12, वर्टिक्स 8। वैसे ही क्यूबॉइड में होता है 9 फेस, एड्स विद 12 और 8 वर्टिक्स। ये दोनों क्यूबॉइड और क्यूब में सेम होता है। अब आते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में 2 प्लेन फेस होता है और 1 कर्व फेस होता है, ठीक है ना, और वर्टिक्स एड्स 9 होता है। किसमें? सिलेंडर में, सॉरी, वर्टिक्स होता है 2 और एड्स होता है 2, वर्टिक्स 9 वर्टिक्स। अब ये आपका एग्जांपल है सिलेंडर का, इसको तो हम बता सकते हैं कि ये सिलेंडर नुमा है। अब सिलेंडर नुमा है कैसे है, ये एक सिलेंडर, आपके घर में भी सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, वो भी एक सिलेंडर का एग्जांपल है। तो ये इसका ये राउंडिंग फेस है ना, तो राउंडिंग फेस को कर्व फेस बोलते हैं। तो सिलेंडर में कितने कर्व फेस? 1 कर्व फेस, यहां देखिए 1 कर्व फेस, और प्लेन फेस एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, ये हो गया आपका प्लेन फेस, तो 2 प्लेन फेस। एड्स कितना? एड्स होता है इसमें 2 एड्स होता है, ठीक है ना, और वर्टिक्स इसमें कहीं कोना नहीं होता है, कॉर्नर नहीं होता है, इसलिए इसमें वर्टिक्स नहीं होता है। अब आते हैं कोन। कोन का मतलब क्या हुआ? बर्थडे टोपी, तो बर्थडे टोपी में एक ऊपर कोना होता है ना, तो उसमें वर्टिक्स कितने हो जाएंगे? 1, और एक प्लेन फेस और एक कर्व फेस, एक प्लेन फेस, एक कर्व फेस। स्फीयर में क्या होता है? स्फीयर में कोई प्लेन फेस नहीं होता है, एक कर्व फेस होता है, और नो वर्टिक्स और नो एड्स, या नो एड्स एंड नो वर्टिक्स। ये चार्ट आपको याद करना होगा, आपके बुक में भी दिया है, आपको भरना होगा और इसको आपको याद करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्पेस एंड शेप पढ़ना था हम लोगों ने, पढ़ा सॉलिड शेप। सॉलिड शेप होता क्या है? कप, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये सब सॉलिड शेप का एग्जांपल हुआ। और फिर फ्लैट शेप क्या होता है, या प्लेन शेप क्या होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रेंगल, ये हो गया आपका प्लेन शेप या फ्लैट शेप। तो आपको शेप के बारे में मैंने बताया, 2 टाइप्स ऑफ शेप, सॉलिड शेप और प्लेन शेप, ठीक है ना। प्लेन शेप में क्या क्या होता है वो सारी जानकारी आपको मिल गई, सॉलिड शेप में क्या होता है ये जानकारी मिल गई। आपको ये याद करना होगा, जब हम क्लास में मिलेंगे ना तो आपसे हम पूछेंगे, इसलिए आपको याद जरूर करना है, अगर याद नहीं किए तो फिर पिटाई करेंगे हम। इसलिए आपको इस, जब घर पर हैं, आप घर पर पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको याद कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।